अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त हम इस्माइल यूसुफ कॉलेज के अंदर हैं जो जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर है, और माशाल्लाह बहुत बड़ा कैंपस है। मैं हूँ, अगर आप देखेंगे ये इसकी माशाल्लाह मस्जिद है। यहाँ पर हम मस्तूरात के साथ आए हैं जमात में। इससे पहले दो दिन हमारे कहीं और लगे हैं, और अभी एक दिन हमारा यहाँ है इस्माइल यूसुफ कॉलेज में। ये थोड़ा जमात के साथ ही हैं, खेल भी रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ा कैंपस है। और यूँ कह लीजिए कि जोगेश्वरी के ईस्ट के हिसाब से बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर आप इसका सिर्फ एरिया घूमने जाएंगे, मेरा अंदाज़े के मुताबिक जो है ना, शायद एक दिन के अंदर अंदर भी आप नहीं घूम पाएंगे। तो यहाँ साथी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है जो है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो कुछ और चीज़ें हैं इस्माइल यूसुफ कॉलेज के बारे में कि 1936 के अंदर ये बना था। कितने भाई? 1936 के अंदर ये बना था। यानी ये कह लीजिए अपना मुल्क आज़ाद हुआ था 1948 के अंदर, तो उससे भी ये तकरीबन समझ लीजिए 12 साल पहले की इसकी संगी बुनियाद है। और उससे पहले देखिए मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ इस पर एक उस पर लिखा हुआ है कि ये कब बना था। ये देखिए मस्जिद का जो है मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है। मैं थोड़ा और इसका आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ इस पर लिखा हुआ है कि 1936 के अंदर ये मस्जिद बनी थी। देखिए 1936 से देखिए लिखा हुआ है 1936 के अंदर ये मस्जिद बनी थी। माशाल्लाह यूँ कह लीजिए कि जंगे आज़ादी से जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उससे पहले की भी ये मस्जिद बनी हुई है। माशाल्लाह इसमें जमात का काम भी होता है, और साथ ही यहाँ करके मेहनत करते हैं। बहुत बड़ा ये कैंपस है, कॉलेज है। अगर आप देखेंगे ये इसके बहुत सारे दरवाजे, मतलब यहाँ आके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं जोगेश्वरी के अंदर हूँ। जोगेश्वरी छोटी, मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई के अंदर भी नहीं हूँ, मुंबई से बाहर का यह कोई एरिया है। बहुत तगड़ा ये एरिया है। देखिए चारों तरफ जंगली जंगली जंगलात हैं, और बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का कॉलेज का, बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं और के लिए यहाँ से तालीम हासिल करके जाते हैं। तो माशाल्लाह आज इसके अंदर है हमारा प्रोग्राम, और यहाँ भी जो साथी हैं, जो भी हमको मिलते हैं बाहर से आने वाले, यहाँ के रहने वाले, तो उनको हम दीन की दावत देते हैं। हम आए हुए हैं अपनी ख़वातीन औरतों के साथ में, मस्तूरात के साथ में। तो वो भी एक साहब के उस पर ठहरी हुई हैं, मकाम पर ठहरी हुई हैं, मकान पर। तो मस्तूरात भी माशाल्लाह मेहनत करेंगे, मर्द हजरात भी मेहनत करेंगे कि जो बेदीनी इस वक्त फैली हुई है, तो वो बेदीनी किस तरीके से यहाँ से दूर हो जाए। मस्जिद के जो इमाम साहब हैं माशाल्लाह, वो भी मुफ्ती साहब हैं, उनसे भी बातचीत हुई, तो बता रहे थे कि तकरीबन 40 साल से वो इस मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन कितना? 40 साल से इस मस्जिद का माशाल्लाह इमाम हैं और मुफ्ती साहब हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, लोग अच्छे हैं, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबको दीन की समझ अता फरमाए, 100 के 100% दीन पर अमल करने वाला बनाए। सभी हजरात से गुजारिश है कि वो ज़रूर पूरी उम्मत के हक़ में दुआ करें, और कोई अगर इसके बारे में जानता है, कोई और ऐसी बात जानता है जो हम नहीं जानते, चूँकि मेरा पहली बार ही यहाँ आना हुआ है, तो इसलिए तमाम चीज़ें तो मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर किसी को कुछ मालूम हो इसके हवाले से, तो वो ज़रूर कमेंट करके अपनी मालूमात हमसे शेयर कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और देखिए नाजरीन, ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है। मैं भी गेट से एंटर होने जा रहा हूँ। माशाल्लाह गेट भी देखिए काफ़ी आलीशान, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बनाया हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में इमारतें हुआ करती थी। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। दुआ लिखी हुई है अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये इसके राइट साइड का किनारा है और ये लेफ़्ट साइड का है। दोनों साइड में वज़ू खाने बने हुए हैं। और चलिए अंदर आते हैं। देखिए माशाल्लाह सहन भी काफ़ी बड़ा है, और पुराने तर्ज पर ही ये मस्जिद बनाई गई है। देखिए इतना हिस्सा इधर है और इतना हिस्सा इधर है। जमातें यहाँ आती हैं, क़याम करती हैं, और पूरा नीचे संगे मरमर से काम किया गया है माशाल्लाह। तो काफ़ी बेहतरीन ये मस्जिद है, आलीशान है। जो बंदा यहाँ आता है, दिल लगता है।